नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल केसी अग्रवाल। आज हम बात करेंगे कोलियस प्लांट की रिपोर्टिंग कैसे करें। चाहे हमने कटिंग से ग्रो किया हो या नर्सरी से प्लांट खरीद कर लाएं, हमें उस प्लांट की रिपोर्टिंग करनी होती है। इसके लिए पॉट कैसी सेलेक्ट करनी है, सॉइल कैसे तैयार करनी है, वाटरिंग कितनी करें, सनलाइट कैसा प्रोवाइड करें, फर्टिलाइज़र कितनी देनी है और इसकी कुछ स्पेशल केयर। मैं आपको इस वीडियो में वह सारी ज़रूरी बातें बताऊंगी जिसे जानकर आप अपने कोलियस को हमेशा खूबसूरत बनाकर रख सकते हैं। कुछ खास स्पेशल केयर भी बताऊंगी, तो बने रहिए मेरे वीडियो पे अंत तक। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। हमने अपने पिछले वीडियो पर कोलियस की कटिंग लगाई थी और इसका पूरा अपडेट आप लोगों के साथ शेयर किया था, जिसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। कोलियस पेरिनल प्लांट है, यह सालों साल हमारे साथ रहता है, लेकिन एक प्लांट की सेल्फ लाइफ 8 से 10 महीने की ही होती है, फिर इसका सेब बिगड़ने लगता है और ये खूबसूरत नहीं दिखता। तो हमें फिर से इसकी कटिंग लगानी होती है और फिर से नया खूबसूरत प्लांट तैयार हो जाता है। ये कटिंग बहुत अच्छे से ग्रो कर चुका है, इसके नीचे से रूट दिख रहे हैं। अब हम इसे रिपोर्ट करेंगे, तो चलिए रिपोर्ट करते हैं और हम साथ साथ में आपको बताते जाएंगे इसके सारे स्पेशल केयर। सबसे पहले बात करेंगे हम इसके पॉट साइज की, तो इसे हम 6 इंच से लेके 10 इंच तक के पॉट में लगा सकते हैं। हम अभी इसे 6 इंच के पॉट में लगाने जा रहे हैं, जिसके नीचे आप देख रहे हैं अच्छे से ड्रेनेज होल बनाया हुआ है। इसमें पानी नहीं ठहरना चाहिए, नहीं तो ये प्लांट बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। सबसे पहले हम इसमें ड्रेनेज होल को कवर करेंगे ताकि जब भी हम पानी डालें सिर्फ पानी निकल जाए और साथ में मिट्टी ना निकले। इस प्लांट को नमी पसंद है, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी रुक जाएगा तो ये प्लांट सड़ जाएगा। इसकी सॉइल प्रिपेयर करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना है कि पानी पॉट में ना ठहरे और ये बिल्कुल ड्रेनेज अच्छा बनाए रखे। तो इसके लिए हमें कोकोपीट, सैंड, कंपोस्ट और गार्डन सॉइल मिलाना है। इन चारों चीज़ों को बराबर बराबर मात्रा में मिला लें और आधे चम्मच फंगीसाइड, आधे चम्मच इप्सम सॉल्ट, आधे चम्मच सीवीड और थोड़ी सी एक मुट्ठी नीम खली मिला लें ताकि इसकी ग्रोथ अच्छी बनी रहे। आपने सुना होगा कोलियस बहुत इजी ग्रोइंग प्लांट है, लेकिन इसके कुछ नखरे भी हैं। अगर हम इसे इसके अनुसार इन्वायरमेंट प्रोवाइड नहीं करते हैं तो ये बहुत जल्दी नाराज़ हो जाते हैं और हमारा साथ छोड़कर चले जाते हैं, तो इसके मिजाज को समझने की ज़रूरत है। तो चलते हैं, हम इसे पूरी तरह से समझते हैं। पहले हम पॉट में आधा ही मिट्टी फील करेंगे और फिर इस क्लास से हमें इस प्लांट को बहुत ही प्यार से और बहुत ही आसानी से इसे निकालना है। इसके रूट को ज़रा से भी टच नहीं होना चाहिए, डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, ना ही ये टूटना चाहिए। बहुत ही आराम से ये निकल जाएगा जब हम इसे उल्टा करके पीछे से हल्का सा पुश करेंगे और थपथपाएंगे। ये प्लांट देखिए बिल्कुल आपके हाथ में अच्छे से आ जाएगा। इसके रूट्स देखिए कितने घने हो गए हैं। बस अब हमें इसे पॉट में सेट कर देना है और ऊपर से साइड साइड से मिट्टी फील कर दें। ये देखिए बस इस तरह से, और हो गई हमारी रिपोर्टिंग। अब हम बात करेंगे वाटरिंग की, इसे पानी कितना पसंद है। इसे डेली पानी देना होगा क्योंकि इसे मिट्टी में हमेशा नमी पसंद है, लेकिन ओवर वाटर ना करें, नहीं तो ये सड़ जाएंगे। इसे अच्छे से स्प्रे करें, इसके पत्तियों पे स्प्रे इसे बहुत पसंद है और गर्मी के दिनों में इसे दोनों टाइम पत्तियों पे स्प्रे करें, ये प्लांट आपका बहुत खुश रहेगा। अब बात करेंगे हम इसके सनलाइट की, इसे सीधे धूप में ना रखें और अभी इस मई के महीने में गर्म धूप में तो बिल्कुल भी ना रखें। आप इसे सेमी शेड एरिया में रखें जहाँ इसे ब्राइट लाइट मिले मगर तेज़ धूप ना मिले। तेज़ धूप मिलने से इसकी पत्तियाँ जल जाएंगी। इसकी पत्तियों में अच्छी कलर हो तो इसे आप सेमी शेड एरिया में रखें। सुबह की एक आध घंटे की धूप इसके लिए काफ़ी है। जब हम बात करते हैं इसके फर्टिलाइज़र की, तो इसमें कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र ना दें। इसे इप्सम सॉल्ट और सीवीड लिक्विड का सिर्फ स्प्रे करें हर 10 से 15 दिनों पे। इसकी पत्तियों में गजब की चमक रहेगी
और इसे आप गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट का लिक्विड मैन्योर बनाकर इसके मिट्टी में डालें तो इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी रहेगी। जब भी आप इस प्लांट पे फ्लावर को देखें उसे रिमूव कर दें, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा लैगी हो जाएगा और इसकी खूबसूरती खराब लगने लगेगी। इसके फ्लावर में सीड बनने लगते हैं जो कि इस प्लांट्स के सारे न्यूट्रिशंस ले लेते हैं और ये प्लांट खराब दिखने लगता है। आशा करती हूँ मेरे वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी और ये आपका कोलियस का प्लांट हमेशा खूबसूरत बना रहेगा। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। थैंक यू।